लव जिहाद, लैंड जिहाद और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ आज मुंबई के मलाड मालवनी इलाके में निकाला गया है हिंदू जन आक्रोश मोर्चा और उसको लेकर के यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि भारी सुरक्षा व्यवस्था और मुंबई पुलिस के सैकड़ों जवान यहां पर आपको नजर आएंगे ताकि ये जो मोर्चा निकल रहा है उसमें किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हो। तस्वीरें में आप देखें कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है मालवनी इलाके में। ये तस्वीरें मालवनी इलाके, ये जन आक्रोश मोर्चा सकल हिंदू समाज की तरफ से आयोजित किया गया और भारी तादाद में हिंदू संगठन के लोग यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के साथ मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था और कोई घटना, अप्रिय घटना नहीं घट सके। देखिए कि किस तरह से भारी तादाद में यहाँ पर हिंदू समाज के लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, जो उनके संगठन है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए कि दूर तक जो है यहाँ पर दूर तक नजर आ रहे हैं लोग, जो है हिंदू समाज के लोग ही नजर आ रहे हैं और दूर तक जो है ये आंदोलन आपको देखने को मिल रहा है। दूर तक तस्वीरें देखिए कि जो लोग यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो इसको लेकर के लगातार काम करते रहते हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। भारी तादाद में लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये संगठन जो है यहाँ से निकला हुआ है और आगे जो है ये मोर्चा बढ़ता जा रहा है ड्रग्स को लेकर के। इस इलाके में जो ड्रग्स की सबसे बड़ी समस्या है उसको जो है लेकर के जो है यहाँ के लोग जो है परेशान रहते हैं, जिसको देखते हुए भी यहाँ पर जो है बहुत सारे संगठन जो है इकट्ठा हुए हैं। हिंदू संगठन के लोग हैं और यहाँ पर तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको जो है लगातार उनकी मांग थी कि जो है वो आगे जो है बढ़ें। तो ये तस्वीरें मुंबई के मठ मालवनी इलाके, आप कुछ लोग हैं उनसे भी बात करें। सर, ये जो आपका आक्रोश मोर्चा है किन मुद्दों को लेकर के है? यह मुद्दा जो है खासकर लव जिहाद, लैंड जिहाद और ड्रग्स के खिलाफ में है, जिसमें कि लव जिहाद जो है ये देखे जाए तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ही आप देखेंगे कि लैंड जिहाद होता है, लैंड जिहाद में मुसलमानों की आबादी बढ़ती है, उनके लोग बढ़ते हैं, डेमोग्राफिकल चेंज होता है। इन सब विषयों को लेकर के आप लोग जो है लगातार सवाल उठाते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं, क्या आपको लगता है यहाँ बहुत जरूरत है इसकी? इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत दो तरीके से है। एक तो इनको विधर्मियों को बताना है कि हम सब एक हैं और हिंदू एक करके इसका सामना करने वाले हैं, और दूसरा हिंदू समाज में भी एक अवेयरनेस जाएगा कि पूरा समाज आपके साथ में है। अगर आपको कोई बहलाने फुसलाने की बात करता है, आपके अगल बगल में कोई लैंड जहाज की काम करता है, तो आपके साथ में पूरा समाज खड़ा है, इसलिए आप डरिए मत। तो देखिए कि यहाँ पर ये मोर्चा, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के तमाम नेता भी जो है इकट्ठा हुए हैं, जहाँ यहाँ के जो सांसद हैं गोपाल सेट्टी हों या फिर बीजेपी नेता नीतीश राणे, वो भी इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। और कैमरामैन विजय से मैं दिखाना चाहता हूँ कि दूर तक दिखाएं कि कितना बड़ा ये मोर्चा और कितनी तादाद में लोग यहाँ पर इस मोर्चे में शामिल हुए हैं मालवनी इलाके में। तो ये बहुत बड़ा जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया है यहाँ की समस्याओं को लेकर के, और हिंदू सकल समाज के लोग भारी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कैमरामैन विजय के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।